खंडवा शहर में शुक्रवार को ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बाजारों में खासी रौनक देखने में आई। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर शानदार सजावट की गई। जगह जगह आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। इस त्यौहार का बच्चों में भी खासा उल्लास देखने में आया। बच्चों को चॉकलेट, मिठाई और बिस्किट बांटे गए। इस अवसर पर इमलीपुरा में लंगर ए आम का आयोजन भी किया गया। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर तकरीर के आयोजन किए गए, जिसमें समाज के उलेमाओं और मौलानाओं ने मिलाद उन नबी के बारे में जानकारी दी। त्यौहार के मौके पर मस्जिदों को भी आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। बाजार में बच्चे, युवा और बुजुर्ग खरीदारी और खाने पीने की वस्तुओं का लुत्फ उठाते नजर आए। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। मजमा लगाया और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें किताबों हिकमत से नवाजूंगा, तुम्हें किताबों हिकमत अता करूंगा और फिर तुम में से एक रसूल तशरीफ लाएंगे, तुम में से एक रसूल पैदा होंगे, तुम उनकी मदद करना, उन पर ईमान लाना। अब जरा जहन को करीब करो, मुसलमानों मिलाद कौन मना रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा किया मिलाद करने के लिए, मिलाद का पैगाम देने के लिए, और तमाम अंबिया और मुरसलीन की रूहें जमा हुई है और वो सरकार की विलादत। चर्चा करो, खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। अब खूब चर्चा कैसा होगा? तो खूब चर्चा उसी वक्त होगा जब लोगों को बुलाया जाएगा, जब मजमा लगाया जाएगा, जब साउंड लगाया जाएगा, जब शामियाने लगाए जाएंगे, जब इश्तिहारा छापे जाएंगे और खूब खूब चर्चा होगा। हमको कुरान और हदीस से साबित करते हैं कि हुजूर की मीलाद मनाना जायज है, मुस्तहब है, फर्ज का सवाब है और ईमान होने की दलील है, आशिक होने की दलील है। और पाबंदी भाभी अगर हुजूर की मीलाद ना मनाए तो ना मनाए, क्योंकि हुजूर की मीलाद कोई गुस्ताखे रसूल के हक में नहीं है। और सुन लीजिए, आला हजरत ने फरमाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।